मिलोगे तो पता लग जाएगा कौन है। चलो भाई मिलने, मलिक साहब आ रहे हैं। मलिक साहब वाह जी वाह, मुनिया लीजा भी आ चुकी हैं एडिशन। ये देखो मम्मा ने गिफ्ट भेजा उनके लिए। अच्छा जी, ये कौन से इतने चीफ गेस्ट हैं, मैनू समझ ही नहीं लग रही। सरप्राइज रहने दो ना, अभी वो आएंगे तो फिर मिल लेना। तुम लोगों को भी पता है? जी हमें तो पता है। सर प्रेजेंट भी आपके तक, आपके लिए अलीजा की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम अस्तानी जी। Guys, welcome back to Kaznology. We are back with another vlog. Welcome again, आप लोग का एक new vlog के अंदर। और आज का दिन बहुत ही मजे का, सुबह 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 शुरू हो चुका है और मैं भी उठ चुका हूँ और रेडी हो चुका हूँ। आज जो है वो बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज बहुत ही मजे मजे की चीजें होने वाली हैं और कुछ नए नए लोग भी होंगे। तो हिंट आप लोगों को दे दिया और इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। चलते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं और मुनिया लीजा से भी आप लोगों को मिलवाता हूँ। बकर को भी कॉल करते हैं, देखते हैं बकर किधर है, ठीक है, और उसे भी बुलाते हैं अपने साथ। तो आज जो है ना संडे है, बकर की अकेडमी से छुट्टी है, तो सोच रहा हूँ मैं कि कोई हैवी सा प्रैंक कर दूं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जी जिसने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जी जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को दबा दो। यार सारे वगैरह जो है ना छुट्टी पे हैं, तो कुछ थ्रिलिंग किया जाए, कुछ मजेदार किया जाए। आज आज जो है संडे है, छुट्टी का दिन है, तो मैं चाह रहा था कि कोई प्रैंक कर दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर यार मैं सोच रहा हूँ कि फिर जुतियां मार अबू ये वो, फिर ना मैं डर जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि यार क्या अगर हम आपस में कजन्स में कर लें तो बेस्ट नहीं है? पर फिर मैं कहता हूँ यार कुछ बुरा ना हो जाए, तो देखते हैं क्या करते हैं आज का, ठीक है। तो जरा शूज वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है, और निकलते हैं जरा घर से बाहर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बस आज सुबह सुबह या संडे है ना, मैं कह यार सारे कजन वगैरह इकट्ठे करते हैं तो संडे को जरा एंजॉय करते हैं, नहीं तो कोई कहीं बिजी होता है, कोई कहीं बिजी होता है। संडे को तो वैसे सोना होता है सबने ना करें यार, अब मेरे लिए नहीं सोना होता संडे को, संडे को सिर्फ एंजॉय करना होता है यार कजनॉलजी ने। हाँ जी, तो फिर आज इस तरह करो, उठ ही गए हो तो अभी बड़े प्यारे गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट आ रहे हैं तो आप एक काम करो, कुछ सामान पकड़ लो, बेकरी पे चले जाओ, पैटीज वगैरह या कुछ चीज़ें ले आओ, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो ले आओ, लेके आओ जल्दी ज़रा, फिर उनको वेलकम भी करना। अभी आने वाले हैं वो, अभी ही आ रहे हैं इसी टाइम। हाँ अभी आ रहे हैं ना। कौन है यार, मिलोगे तो पता लग जाएगा कौन है। चलो भाई मिल लो। मलिक साहब आ रहे हैं। मलिक साहब फैमिली मेंबर हैं कोई? नहीं। तो फिर फैमिली मेंबर कह लो, आपके फैमिली मेंबर हो भी सकते हैं, वो फैमिली मेंबर है नहीं वैसे। है नहीं वैसे, लेकिन वो फैमिली मेंबर भी है। फैमिली मेंबर भी है, फैमिली मेंबर है भी नहीं, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यानी कि तो सोशल मीडिया के वाले से आपके वो फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं वो फैमिली मेंबर ही होते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, वैसे बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया के मलिक साहब, अगर तुम कहो कि हमारे को रिलेटिव्स या हमारे खानदान में से कोई आ रहा है तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो बाकी कोई नहीं, आप जल्दी से टाइम ना वेस्ट करो, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जो करना कर लो। लो जी 10 मिनट है मेरे पास, तो फिर अभी मैं बेकरी से कुछ खाने के लिए, कुछ मेहमानों के लिए। तो कितने पर्सन हैं? या 2-4 होंगे। चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ लेता हूँ। यार अब्बू ने बोला कि वो 10-15 मिनट तक आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, अगर मेहमान कोई मलिक साहब हैं तो कोई अबू के हो सकता है अजी का कार, और ऊपर से वो कह रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया वाले बंदे हैं, तो फिर जो है ना हमें ज़रूरी प्रोटोकॉल देना चाहिए यार, फर्ज बनता है मेहमान घर आ रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ बेकरी पे, तो मैं जो है ना सर्च कर लेता हूँ अच्छी अच्छी सी चीज़ें और फिर जो है ना वो मैं पैक करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, वैसे चीज़ बैटर अच्छे लग रहे हैं यार, ये खा लेता हूँ, और ये रोल वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। चलो मैं देखता हूँ, ये वाले जो बिस्किट्स हैं ये आप कर दें ना, कुछ काफी होगा यार। टिम्पो ले लिया है, बिस्किट्स ले लिए हैं, और मैंने ले लिया है यहाँ पैटर्स। लो यार खाने पीने की चीज़ें तो ले ली हैं, और जो है ना अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने नहीं ली, वो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि जो है ना सर्दियाँ आ चुकी हैं, वो अलग बात है, मैं स्लीवलेस में फिर रहा हूँ, धूप निकली हुई है, मैं कहा चलो इन्जॉय करके आता हूँ धूप को बाहर, तो सर्दियाँ आ गई हैं, कोल्ड ड्रिंक तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। चाय बोला है घर पे, ठीक है, तो चाय बनवाते हैं, चाय देंगे उन्हें उनके साथ, तो चलते हैं घर। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह घर आ चुका हूँ, ठीक है, और रास्ते में से मैंने ये एक प्यारा सा फ्लावर भी ले लिया था जो अब्बू ने बोला था मुझे, ठीक है, निकलते हुए। तो आंटी जी जरा अच्छी सी चाय और ये बिस्किट्स वगैरह ले लें,
ओके और चलते हैं अंदर रूम में। अरे अस्सलाम वालेकुम, वाह वाह क्या बात है भाई। अरे बाहर बड़ी ठंड हो रही है, क्या हाल है नू? बड़ी क्विक सर्विस आपने बुला भी लिया इसे। सर्विस ऐसी तो टेंशन कैसी, संडे को फिर यार अच्छी बात है, इस तरह का होना चाहिए। लो फ्लावर्स भी आ गए, सारी चीजें भी मैंने आप लोगों ने डिसाइड किया ना कि 12 बजे आज मैं पहले दिन आया, हाँ वैसे आज पहले दिन आया पर 1 बज गया, फिर भी लेट हो। वाह जी वाह, मुनिया लीजा भी आ चुकी हैं एडिशन। ये देखो मम्मा ने गिफ्ट भेजा उनके लिए। अच्छा जी, ये कौन से इतने चीफ गेस्ट हैं, मैनू समझ ही नहीं लग रही। सरप्राइज रहने दो ना, अभी वो आएंगे तो फिर मिल लेना। तुम लोगों को भी पता है? जी हमें तो पता है। वैसे क्या लाए हो? ओ माय गॉड वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तैयबा कलेक्शन की फैब्रिक्स का ब्लैक सूट, क्या बात। और ठीक हो? अब बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, वो सब अपने दिल थाम ले। अच्छा मुझे भी बता दो, दिल थाम ले। मैं तो कैमरे खोल के बैठू, मैं बता नहीं कब आएंगे, तो फिर देखना। अच्छा चलो यार, सरप्राइज ही सही, फ्लावर्स भी आ गए हैं, सूट भी आ गया, गिफ्ट भी आ गए हैं, और अब जो है उनके लिए वो खाना छाना भी रेडी है। अब आ जाए तो देखी जाए। A few moments later. चलिए हमारे मेहमान जो है वो आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हालचाल है आपके? ठीक है, आ जाए आ जाए आ जाए। ओ भाई साहब, पुणे परेशान किया था, मलिक साहब आ रहे हैं, क्या हालचाल है आपका? हम लिटरली आपके बहुत बड़े फैन भी हैं और आपके कंटेंट को इतना फॉलो करते हैं ना, जैसे आप वो हंसते हैं ना, ओह माय, इस चीज का तो मैं कहता हूँ मैं दिल से फैन हूँ। हाँ मैं परेशान हो गया हूँ। आ जाए ऐसा प्रेजेंट भी आपके तक, आपके लिए अलीजा की तरफ से। आज बैठे मुनिया जो है वो ले है उस्मान भाई के लिए, थोड़ा सा आपने को टेस्ट करना पड़ेगा। फ्रेशमेंट समझ लें, वो कह रहे हैं ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया। क्या बोला तूने? पर फिर भी हमारी मोहब्बत के लिए आपको जो है ना वो टेस्ट करना होगा। आपकी मोहब्बत के लिए? हाँ जी, आपकी मोहब्बत के लिए मैं आपको टेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच जी, चाय भी आ गई। मम्मा जी कहाँ रह गई आप? इधर ही थी मैं, चाय बना ली। अच्छा जी वाह जी वाह, ले जी ये काम करने के साथ चाय भी। मैंने ना मिसेस को बोला ही था कि मेरा शो ऑफ कराए ना, फिर उसमें ये होता है कि अगला बंदा समझता है कि पता नहीं ये कोई, मैंने बाकी में 1% भी मुझे नहीं बताया था कि आपके साथ कोई है, मतलब आप उनकी वाइफ हैं। क्या बोला तूने? मतलब ये तो मेरी रैंडम में नजर पड़ी है। ये वाइफ नहीं है, नहीं वो वही आप बात इनसे कर रही हैं, आप उनकी वाइफ हैं। मैं खुद भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, जिनको हम स्क्रीन में देखते जब उनको देखे। मैं उस्मान हूँ, कतरीना कैफ नहीं। ये तो हमारा बकरा जो चाय नहीं पीता। मैं तो ये भी नहीं कह सकता रंग काला, इतना हेट करेंगे कॉफी पी लिया करो, ये कर लिया करो, वो कर लिया करो, पर मेरी इनसे अक्सर लड़ाई होती रहती है। चाय कोई कसम नहीं है, लेकिन जब स्नोफॉल में जाते हैं ना तब हम ट्राई कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज ऊपर से स्नो हो रही हो तो मैं भी कोक पी रहा हूँ। सही बात है, ये कलर भाई कोक ले आओ यार, अब ले आओ तो और पता लग गया सानू, कोक से मुराद ये थी कि आप कोक लेके आए, आपको पता है कोक को हमने बायकॉट किया हुआ है। हाँ ये हमारे बच्चे ना बहुत बड़े फैन है आपके, तो जब मैंने इनको बताया ना, वैसे ये 3 बजे से पहले उठते नहीं है, तो जैसे इनको पता चले 10:30 बजे उठ के बैठ गए। उनके व्लॉग में आए आप,
तो मैंने फिर उनको बोला कि अभी टाइम जो है ना मॉर्निंग टाइम है, तो जब मैं आपको लेने के लिए आऊंगा ना तब तब तक वो जो है ना वो रेडी भी हो जाएंगे, उनके लिए भी इजी होगा, जो मेरे काम है वो मैं भी कराऊं। मैं अभी 18.5 साल का हूँ, राहुल मैं कह रहा हूँ तो माशाल्लाह हम जैसे आपको वीडियो में देखते हैं ना आप रियल में भी वैसे ही हैं, और आपसे मिलके बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। चेक करें जी टिकटोके बन रही हैं, ये इनका फेवरेट काम है, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है सुबह 10:30 बजे से उठ के ये बच्चे जो है ना वो रेडी हुए हैं। क्रेज इतना ज्यादा है, अब हम तकरीबन छोटे छोटे से 2017 से देखते आ रहे हैं उस्मान भी को, इतने ज्यादा फैन हैं इनके बड़े वाले कि मैं बता नहीं सकता हूँ, इनके कॉन्टेंट को फॉलो करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, और माशाल्लाह हम भी बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप पॉजिटिविटी को प्रमोट करें, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी नहीं रोकेगा काम में। A few minutes later, वो तो टूटे हुए संजय दत्त भी फेमस हो गए। मुझे कोई कंटेंट आ गया ना मेरे ज़हन में, मैं खाना छोड़ देता। पहले मैंने वो बनाना, उसके बाद खाना, इतना क्रेज होता। एक दिन में 4 कंटेंट बिल्कुल न्यू फ्रेश कंटेंट देता था, ये कॉपी नहीं, बिल्कुल न्यू चीज। दिन में कभी कोई बड़ी कोई इम्पोर्टेंट काम है तो फिर भी मैंने 2 दे देने, सही बात, कोई दिन मिस नहीं करना। मेरी 2 बेटियां और भी हैं, वो भी सो रही हैं, छोटी हैं, तो वो इतना ज्यादा बोर से देखती थी, उनसे बड़ी इंस्पायर्ड थी, तो मैंने भी चैनल का नाम इनको सजेस्ट किया, क्योंकि ये सब ये कजन है इनका, ठीक है, और भी कजन है, अभी कोई भी आया नहीं, है 35 को है लेकिन ऐसा ऐसा करते करते हूँ ना 8 जिन्हें रह गए, बहुत अच्छा लगा क्योंकि पाकिस्तान में ना जब हम सेम चीज करेंगे ना, बिल्कुल सेम चीज करेंगे ना, तो उसको पब्लिक लाइक नहीं करती, जब कोई भी कोई बंदा डिफरेंट कंटेंट लेके आएगा ना तो वो सारी हमारी पाकिस्तानी आवाम सारी दुनिया एंजॉय करती है, लेकिन हमारा कंटेंट भी सबसे डिफरेंट है, बस यही चीज है, ऐसा कर लिया जो बड़े से बड़े यूट्यूबर ने नहीं किया। आपको पता है इन्होंने 100K पे इसकी टीडी करवाई थी और इसके सर पे लिखा था और इसके बहुत प्यारे बाल थे, और जो अली है ये 50K पे ये लड़की बन के पूरा मॉल घुमा, पूरा लाहौर बहुत एक्सट्रीमली हैवी चैलेंजेस किए हमने। आपको कुछ आईडिया कि मैंने मारो और डंडे भेजे आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हमने जो एंजॉय किया साथ लिटरली बहुत मजा आया, एकदम हाँ करना चाहूंगा आपसे, विद रिस्पेक्ट, थैंक यू। सर जी वंस अगेन अल्लाह हाफिज, बहुत 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 आपका शुक्रिया, अगेन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना, और चलें बकर चलो क्या हो रहा भाई साडे आंदे तुसी आ के काम फड़े आया यार ऐसे ही होता है घर में जब मेहमान चले जाते तो पीछे जो बचता है ना भाई उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था ऐसे नहीं किया था वो यार ब्रेकफास्ट ऐसे नहीं किया था समझ आ रहा मैं चाय पीऊंगी जूस अब वो तो चाय नहीं पसंद करते थे मुनिया और हन्नू की क्वालिटी थी यार तुम हमारे पे मत आओ तुम जरा अपना बताओ कि तुम्हें कैसा लगा उनसे मिलके यार एक बंदे को जब बंदा जिसका फैन होता है ना जो उसे मिलता है तो दिल की धड़कन जो होती है ना वो मुंह में आई होती है वो वाला सीन दिल मुंह में आया होता है धड़कन नहीं मुंह में आई होती दिल वही था पर धड़कन जो है ना वो दबाने से अच्छा हम लोग कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छे से हम लोग कैमरे के आगे भी बोल लेते हैं लेकिन उनके आगे हमारी ना मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था हम सब कंफ्यूज थे कि भाई क्या बोले उनको क्योंकि ऐसे ही होता है जब हम रजबड़ से भी मिले थे ना तब भी हमारी यही फीलिंग थी हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम उनको बोले क्या है ना अली बिल्कुल नाश्ता जरा नाश्ता कर लीजिए फिर अपने फीलिंग्स बताएगा कि कैसा लगा मिलके यार उन्हें हम ऑलमोस्ट वॉच कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से और वो बहुत पुराने क्रिएटर भी हैं और टिकटॉक के किंग भी हैं एक तरह के 12 मिलियन फॉलोवर्स ऑन टिकटॉक छोटी मोटी बात नहीं है और अभी मैं उन्हें गाड़ी तक सी ऑफ करके आ रहा हूँ तो
ओए वो मौलवी, ओए वो देख, इस तरह की आवाजें पीछे से लग रही थी। मैं पीछे पीछे तब वो आगे गए, ओए तेन मुनु वेख्या होया, मतलब इस तरह की जो फीलिंग थी ना, नहीं वो तो चले गए थे पीछे से आवाजें लग रही थी। माशाल्लाह बहुत। ये छोड़ो, ये बताओ कि मेरे पॉलर को क्या कहोगे यार, यार शी सैलून जो है ना वो ब्रांड है। क्या बात है भाई, गो ब्रांड। उनकी जो फैमिली थी वो मामा से रेडी होने आई थी और माशाल्लाह मामा बड़ी देर से रेडी होने आती है। उनकी जब शादी हुई थी ना तो भी मैंने उसकी बीवी को मैंने ही रेडी किया था। उस्मान भाई की वाइफ को शादी पे आपने रेडी किया था? अच्छा, तो मुझे नहीं पता था उस वक्त ना कि मतलब ये इसकी वाइफ है, ये तो मतलब मुझे कल पता चला। लो जी, उसने कहा सदा पापी कोई बात ही नहीं, आप बात करो, आपके घर आना कोई बड़ी बात है। मैंने कहा ये मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी कोई बात, इस बात को अब देखो कब से मेरी जान पहचान है, मुझे पता ही नहीं। और ऐसे ही पता नहीं कितने ज्यादा लोग हैं जो हमारे मतलब जानने वाले होते हैं, मगर मैं कभी इस तरह होती नहीं हूँ कि मतलब आप कौन है किस तरह है। पता लग भी जाए ना तो मतलब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था सैलून में ना। मामा कह रहे हैं कि हम बस जस्ट बिजनेस टू बिजनेस रहते हैं, कि काम से काम रखे बंदा, फजूल किसी की फैमिली में घुसने की क्या जरूरत है। मामा बिल्कुल राइट है, मगर कई लोग, ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी है, बोले बहुत ज्यादा दीनी मजहबी लोग हैं। और बड़ी बात है, मेरी एक दफा कहने से उन्होंने मेरी बात मान ली, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर आए और हमारे घर का जूस पिया। जूस पिला दीजिए। यार थोड़ा सा शुगर तो लगाना होता है ना। चलो नाश्ता वगैरह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसे खुद को नहीं पता था ना कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। चलो नाश्ता वगैरह करते हैं। अली ने इस बिस्किट का नाम रखा है फ्रेंच हार्ट। यार इसका नाम ही फ्रेंच हार्ट है। नहीं नहीं, देखो क्या था, पेज की शेप ऐसे है ना, इसलिए फ्रेंच हार्ट। ऐसे तुम ये भी कहोगे ऐसे ये दिल बनता है, ऐसे फ्रेंच भी बनती है, क्या मतलब यार ये ना। ऐ ठोडी बिस्किट ना कह दी उन्होंने थोड़ी देर बाद। कह दी ठोडी बिस्किट, नहीं ये देखो साडी जुबान पता कि क्या जाएगा, सोया बिस्कुट। ऐ वे मैं पता ऐ बिस्कुट होना चाहिए था, सही गोल मैं टोया पे टोया बिस्कुट, तो मैंने तो कुछ और लग रहा। की लग रहा आप लोगों ने नाम रखना इस बिस्किट को भी। नहीं हमें माफी दे दे, आखिरी रह गया खा ले। यार मेरे हिसाब से तो इसका कोई और नाम होना चाहिए। बस कर दे बस कर दे, जेरा तू नाम देता रहो बड़ा है। नहीं जो इसने नाम दिया है वो क्या था, लेग बिस्किट। लेग बिस्किट क्या नोट आ गया उठा के खाने वाला बिस्कुट। दिखाना जरा ये छोटे बच्चों की बम्पी नहीं लग रही है। ये देख चाय में कुछ है लगता। नहीं नहीं शैतान नहीं है, मौलवी घर से होके गया। मौलवी हो गए गए ना, क्यों हो गए, मुझे इसके बिस्किट नहीं बोलेगा, ये तो लेग बिस्किट, ठीक है, फ्रेंच हार्ट बिस्किट, टोया बिस्किट, और मेरा कौन सा था, बच्चों की यही तो हम चाहते थे। ये लो तुम आप खा लो, चल खा ले खा लो। नहीं बस ये अरे ये एक टूट गया, इसको क्या कहोगे। बहुत ज्यादा मजा आया, ठीक है नाश्ता वास्ता कर लिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है सुबह 10 बजे का मैं उठा हुआ हूँ और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। यार इसका तो सोना ही नहीं खत्म होता यार, अब देख 10 बजे से उठ के भाग फिर फ्लावर लेके आ, ये कर वो कर, अब इतना तो बनता है ना यार, मुझे दो चार घंटे सो लूं तो फिर एकेडमी जाना है। संडे है भाई, संडे आ जाओ वो कर, टेस्ट सेशन चल रहे हैं भाई, वो तो संडे को कड़ी कैडमी खुली होती है, उन्होंने खोली है। मुझे पता क्या लगता है, क्या इसके टीचर ने सिर्फ इसको बुलाया होगा। हेलो
देख कोई कोई ना कोई चक्कर तो दाल में कुछ काला है। उसने कहा होगा आज पूरी एकेडमी की छुट्टी है सिर्फ अबू बकर को धोखा देके बुला लिया। मगर लेकिन सानू कुछ आना ना पवे तेरे। हां पता चल गया कि चक्के ले आ रहे हैं। बाद में पता चले वी वांट जस्टिस फॉर अबू बकर। हमने मिलके मतलब इसने छोड़ दिया ना स्कूल के, इसने एकेडमी जाना होता है। अब ये व्लॉग टाइम पे फिर एकेडमी, अब क्या करें इसका। चलो कोई बात नहीं, तुम एकेडमी जाओ, मैं दो चार घंटे सो लूं, देख लो अगर आ जाओगे वापस तो फिर इंशाल्लाह एंड डाल खत्म कर दूं मैं लॉक को। चलिए यार मैं सो के उठ जाना था मैंने। फिर क्या करेगा, फिर सो जाएगा, खाएगा ठूसेगा फिर सो जाएगा। अच्छा यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे देना, और आप लोगों को कैसा लगा हमें उस्मान भाई के साथ देख के। तो बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। जी जिसने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ जी जैक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को दबा। अगर आप लोग हमारी उनके साथ और वीडियोस चाहते हैं या कोलैब चाहते हो तो भाई जल्दी से कमेंट में बता दो। ईस्ट एंड द वेस्ट कस्नॉलेज इज द बेस्ट।